हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, अगस्त 2019 में सेंट मोबाइल अपडेट हो चुका है और इस वर्जन को हम कैसे रजिस्टर कराएंगे इसके बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो शॉर्ट और टू द पॉइंट रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर हियर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली से एक्सेप्ट कर दीजिए टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद यहाँ पे आपका CIF नंबर देना है। अगर आप आपका CIF नंबर नहीं जानते हैं तो उसको कैसे आप रिसीव कर सकते हैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको। उसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। अगर आपके पास CIF है, यहाँ पे आपका CIF डाल दीजिए और उसके बाद सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP यहाँ पुट करके फिर से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है हमें। अब यहाँ पे हमें चार रजिस्ट्रेशन के मोड मिलेंगे। एक, आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो पहला वाला ऑप्शन रहेगा। आपके पास नेट बैंकिंग का आईडिया और पासवर्ड है तो उससे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर इनमें से दोनों भी नहीं है तो आप ब्रांच विजिट करके वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे टोकन आईडी जनरेट करने के लिए, तो वहाँ से भी हो सकता है। हमारे पास डेबिट कार्ड है, हम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड नंबर देना है और उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी मंथ एंड डेट देना है। तो चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे। ATM कार्ड का डिटेल डालने के बाद इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। डेबिट कार्ड वैलिडेशन कंप्लीट सक्सेसफुली लिख रहा है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे हम। ये प्रोसेस होने के बाद आपको यूज़र आईडी सेट करने के लिए कहा जाएगा और यूज़र आईडी सेट होने के बाद एक MPIN सेट करना है और एक TPIN। जैसे ही ये कम्प्लीट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। सेंट मोबाइल रिलेटेड या कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।